हमारे लिए सिर्फ इतनी काफी है और काबिले फखर है कि हमारा नाम अमीरुल मुजाहिदीन के इस मिशन में उनके साथ आ गया। आपका नाम क्या है भाई? सारा डाटा मौजूद है, अब तो ये कुछ नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं। वो वक्त गुजर चुका है कि गाड़ी रोके जी, कागज दिखाए जी, कॉपी है, लाइसेंस है, रसीद। तहरीक लबैक पाकिस्तान के वफादार कारकुनान लंदन में इजलास था, मुस्लिम लीग का, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहेब वहाँ इजलास में मौजूद थे। शुगर कंट्रोल ना हो सकी, उन्होंने कभी इजहार किया था कि अगर मेरी मौत आ जाए तो मुझे वहाँ दफन कर दिया जाए जहाँ 70,000 अंबिया इकराम के मज़ारात हैं। शेख अबू साले मुफ्ती फ़िलिस्तीन वहीं पर थे, उन्होंने चार्टर त्यारे का एहतमाम करके मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब को वहाँ पहुँचा दिया, और जब वहाँ तदफीन हो गई तो गालिबन इकबाल ने कहा कि है रश्क इस जहान को जौहर की मौत पर, अल्लाह की है देन जिसे वो अता करे। उस कब्रिस्तान में दफन हो गए जहाँ 70,000 अंबिया इकराम के मज़ारात हैं, और कुर्बान जाए उन आली मर्तबत नफूस कुदसे पर जिनके बारे आला हज़रत कह रहे हैं कि महबूब रब अर्श है इस सब्ज गुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है, जो आज तक उस मज़ारे परवार में जलवागर हैं जहाँ आकर जो जहाँ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। उन वफाओं के तवस्सुल से, उन वफाओं के सदके जो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार से की, उन वफाओं के तवस्सुल से तहरीक-ए- लबैक या रसूल अल्लाह के जुमला अज़ीज़दारान और कारकुनान इस मिशन से और अपने कायद से इंशाल्लाह वफा करेंगे। हमें तो फोर शेड्यूल लगाकर कोई बंदा पाबंद कर सकता है, स्टेज वालों को कोई बंदा पाबंद कर सकता है, कारकुनान को कोई बंदा पाबंद कर सकता है, लेकिन इनको पाबंद कौन करेगा? और इस मिशन का रास्ता इंशाल्लाह कोई भी रोक सकता, ये भूल है। फोर शेड्यूल क्या है? 7 साल फोर शेड्यूल में रहने के बावजूद, बार बार कई जेलों में रहने के बावजूद, कई जेलों के अंदर रहने के बावजूद और कई मुकदमात बर्दाश्त करने के बावजूद फिर भी हम यहां मौजूद हैं। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंशाल्लाह हुज़ूर के गुलाम नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाएंगे इंशाल्लाह। हम अपने कायद से किए गए वादे निभाएंगे और हुज़ूर के दीन को तख्त पर लाएंगे। हालात जैसे भी बने हमें इन बातों की परवाह नहीं। ये प्रेशराइज करने के लिए कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर। ये आपका नाम क्या है भाई? सारा डाटा मौजूद है, अब तो ये कुछ नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं। वो वक्त गुजर चुका है कि गाड़ी रोके जी, कागज दिखाए जी, कॉपी है, लाइसेंस है, रसीद है, अब तो वो वक्त ही नहीं रहा।
अब तो नाके पर कोई बंदा ये नहीं पूछता कि आपके पास कागज है कि नहीं, अब तो कंप्यूटर में सारा कुछ है, वो गाड़ी आ रही होती है दूर से देख लेते हैं किसको रोकना है कि नहीं। अब तो डाटा लेने के लिए किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं, ये सिर्फ लोगों को प्रेशराइज करने के लिए बार बार बंदे भेजते हैं जी, फलां एजेंसी भी आपकी निगरानी कर रही है, फलां एजेंसी भी आपकी निगरानी कर रही है, फलां एजेंसी भी आपको चेक कर रही है, फलां एजेंसी भी आपको चेक कर रही है। हमें आधार एजेंसी चेक करे, हमारे ऊपर मदीने के ताजदार की निगाह है, हम जीएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए। और कायनात में किसी के लिए भी मौत के दो वक्त नहीं है, हर किसी के लिए मौत का एक ही वक्त है, और वो वक्त हमने मांगा ही प्रिय है। हमारे तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब से हमने सुना है कि कब्र में हुजूर की जान तो नहीं है, इसलिए हम तो मौत को पसंद कर रहे हैं, हम मौत हम इस मिशन के लिए मौत इसलिए मांगते हैं कि कब्र में जाकर जब फरिश्ते पूछे क्या बता कि मां कुंता तकून तू क्या कहता रहता था, ताकि हम बता सके कि दुनिया में जब तक जिए हैं हम यही कहते रहे हैं लब्बैक हमारे लिए सिर्फ इतने ही काफी है और काबिल फखर है कि हमारा नाम अमीर उल मुजाहिदीन के इस मिशन में उनके साथ आ गया। जिस तरह की नबी भी माफल फरमा रहे थे तो हमारे लिए यही काफी है। अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को बल्कि पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए कामयाबी और कामरानियों से हमकिनार फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका है, अभी अमीर मोहतरम के हवाले माइक करते हैं और वो भी उनकी जिस तरह तबीयत होगी लंबे फिलहाल के लिए बस एक दो बातें हमारी रूह को सुकून देने के लिए। उनका बाबा जी की तरह अगर वो माफ़िल में खामोश भी बैठे रहे तो ये भी बहुत बड़ा पैगाम है।